तो महामानव की डबल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में। तो महामानव ने कहा कोई कंपटीशन ना रहे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो होने दो, किनारे मारो सुप्रीम कोर्ट का आदेश। बोले 5000 मेगावाट सोलर बिजली चाहिए और 1600 मेगावाट थर्मल बिजली चाहिए। टेंडर निकल गया, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी बिजली की सप्लाई इस देश में कौन दे सकता है? आप लोगों के मन में तो नाम चलना शुरू हो गया होगा, इतनी बड़ी बिजली की सप्लाई महामानव के दोस्त के अलावा तो कोई दे नहीं सकता। दो तीन प्लेयर हैं इस देश में जो इसके लिए टेंडर करेंगे। टेंडर कर दिया गया, टेंडर कर दिया गया, टेंडर अप्लाई हो गया, टेंडर खुल गया। और जब टेंडर खुल गया सितंबर के महीने में, सितंबर के महीने में अभी जब टेंडर खुल गया तो टेंडर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी दोस्त, उनके मालिक, उनके आका अडानी को मिल गया। अडानी को मिल गया, पूरे देश में सोलर बिजली 2.5 रुपए यूनिट सरकारों को मिल रही है, कोयले की बिजली 2 रुपए 2.5 रुपए 3 रुपए यूनिट सरकारों को मिल रही है, लेकिन अडानी को 6600 मेगावाट की बिजली 4 रुपए यूनिट के दर से मिली। यह 1 रुपए की डकैती किसके जेब में डाली जा रही है? यह 1 रुपए की लूट किससे की जा रही है? महाराष्ट्र की जनता से। महाराष्ट्र के लोगों ध्यान से सुनिएगा, हिसाब लीजिएगा एक एक चीज का। यह 1 रुपए प्रति यूनिट की लूट आपकी जेब से की जा रही है। अडानी अपने पास से नहीं दे रहा है, मोदी जी अपने पास से नहीं दे रहे, आपसे लूटी जाएगी ये जो 1 रुपए यूनिट 1.5 रुपए यूनिट महंगी बिजली दी गई। तो मैं पूछना चाहता हूं 25 साल के लिए महाराष्ट्र की जनता को लूटने की खुली छूट अडानी को नरेंद्र मोदी जी, शिंदे जी कैसे मिल गई, देवेंद्र फडणवीस जी, इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता को देना पड़ेगा आपको। और एक मोटे मोटे अनुमान के तहत अगर ये 6600 मेगावाट की बिजली सप्लाई 4 रुपए यूनिट के दर से अगले 25 साल तक चलती रहे तो करीब करीब महाराष्ट्र की जनता को 1,00,000 करोड़ रुपए का चूना लगेगा। 1,00,000 करोड़ रुपए की लूट महाराष्ट्र की जनता से की जाएगी।